चिता। एक वो दिन था जब इस गांव ने एक दुल्हन के रूप में मेरा स्वागत किया था। एक दुल्हन सजी थी और एक आज का दिन है जब महफिल सजेगी, धूम मचेगी। कंग्रेचुलेशंस अपराजिता, ब्रह्म राक्षस मर चुका है। और अब इस गांव में आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब जानती है ना ये कौन है? प्लीज, मैं जानती हूँ आप सब जानते हैं। प्लीज मुझे बताइए ना, इनके बारे में कुछ भी बताइए, सब कुछ बताइए। प्लीज आप जो भी जानती हैं इनके बारे में प्लीज मुझे मुझे बताइए ना। मैं नहीं जानती। नहीं जानती? प्लीज प्लीज कुछ तो बताइए ना। मैं जानती हूँ आप सब जानती हैं, कुछ भी बताइए प्लीज। देखो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो पहली जोड़ी थी जो तब मरी थी जब वो ब्रह्म राक्षस बना था। पहली मौत इन दोनों की हुई थी। पर इन दोनों का तुझसे क्या रिश्ता है? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती पापा ने मुझे ये लॉकेट क्यों दी, उनके पास कैसे थी, क्यों थी, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि कोई ना कोई रिश्ता है। पर क्या? मैं नहीं जानती, तू नहीं जानती, कोई नहीं जानता, है ना? शायद शायद तेरे पिताजी जानते होंगे, शायद वही तुझे बता दे। नहीं बता सकते ना, वो कोमा में चले गए। मैं क्या करूं, मैं बहुत बेबस हूँ। नहीं, कोई बेबस नहीं होता। जब इंसान के बस में कुछ नहीं होता है ना, तो वो होता है। वो कभी ना कभी किसी ना किसी के रूप में किसी ना किसी को भेज ही देता है। कभी कभी उस जमींदारी ने भी सोचा था कि वो जमींदार साहब को मार के इस पूरे विरासत की मालकिन बन जाएगी, पर वो नहीं बनी और वो बन गया ब्रह्म राक्षस। देख देख, आज तू यहां है, उस राक्षस के साथ लड़ रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, तेरा कोई कर्म है। बस बस उस कर्म का इंतजार कर। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब होना लिखा था। बस उस होनी का इंतजार कर, वो आएगी और वो ही बताएगी कि अनहोनी क्यों हुई। रहना रहना तो ठीक तो ऋषभ रहना तो ठीक तो माँ, मैं यहाँ कैसे आया? क्या वो ब्रह्म राक्षस मर गया? हमने मार दिया उसे। माँ तू बहुत जिद्दी है ना ऋषभ, माँ की बात कभी नहीं मानेगा। मैंने कहा था उस ब्रह्म राक्षस के पीछे मत जा बेटा, तुझे हो गया तो मैं क्या करूंगी? तू मेरी बात ही नहीं मानता, कब समझेगा तू? मैं राखी को खोने के बाद एक और बच्चे को नहीं खो सकती ऋषभ। मॉम रहना कहाँ है? मॉम ठीक तो है ना? पता नहीं। पता नहीं मतलब? मॉम उसे कुछ हुआ तो नहीं? मॉम उसे कुछ हुआ तो नहीं? मैंने उसे कमल की चुनरी दी थी, उसे कुछ हो नहीं सकता। वो ठीक है ना मॉम? मैं मुझे जाना जाना। ऋषभ सुन मेरी बात, सुन वो ठीक है, वो रहना ही तुझे यहाँ लेके आई थी, वो ठीक है। तो कहाँ है वो? मुझे नहीं पता ऋषभ, वो कहाँ है? पता नहीं मतलब? वो कहाँ है मॉम? ऋषभ गलती मेरी है, तेरी हालत बहुत बुरी थी, तो पूरी तरह से खून में लथपथ था।
उसने मुझे बताया कि कैसे तुम दोनों ने दोबारा शादी और फिर वो ब्रह्म राक्षस वहां आ गया, कैसे तुम दोनों के वार से वो भाग गया। लेकिन ऋषभ, तब तक मैं तुझे देख के बहुत डर गई थी। मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया और पता नहीं क्या भला बुरा कह दिया। उसके बाद वो वहां से चली गई। लेकिन मेरा यकीन मान ऋषभ, मैंने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, उसका फोन नहीं लग रहा। पता नहीं कहां होगी रहना चिंदी, कहां हो तुम? आपके पापा अभी भी कोमा में। कौन है मेरे पापा? कहाँ है वो? डॉक्टर, डॉक्टर, I'm so sorry। वो आप ही के पापा है ना? हाँ, वो मेरे पापा हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, यही मेरे पापा हैं। रैना का फोन भी लग रहा है, कहाँ गई होगी वो? ये फूली के पास तो नहीं गई? उससे पूछने के लिए कि हमने इतनी कोशिश की फिर भी उसे मार क्यों नहीं पाए, उसे कैसे मारना है? तो फिर एक काम करते, चल हम फूली को ढूंढते, वही गई होगी ना? हाँ मॉम, क्या हो सकता हवेली गई हो? हवेली क्यों जाएगी वो? मॉम, उस राक्षस के सारे राज उसी हवेली में तो दफन है, हो सकता वहां गई हो उसे मारने का कोई नया तोड़ ढूंढने के लिए। उस राक्षस ने राखी को हमारे सामने मार दिया, हम कुछ नहीं कर सके, उसे बचा तक नहीं सके। इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा उसे मोह, वो टूट गई है। मैं हवेली जाता हूँ। नहीं, नहीं। मैं तुझे हवेली जाने नहीं दे सकती, वो जगह खतरे से खाली नहीं है। हम तेरे डैड से पूछते हैं ना, उनकी मदद लेंगे, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। चल तेरे डैड से बात करते हैं। मॉम, इतना टाइम नहीं है, देर हो गई तो। बुआ जी, अभी फूफा जी और पापा जी को किसी ने आके बताया कि रैना दीदी के पापा जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? रैना के पापा का एक्सीडेंट? सुरेश भाई साहब, यहाँ कमलपुरा में? लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता बुआ जी, सिर्फ इतना पता है कि उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल गई हैं। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा मॉम। कौन है ये लोग? इनका क्या राज है? पापा आपने कह कैसे दिया कि आप मेरे पापा नहीं है? मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कौन है। मैं आपको जानती हूँ, मेरे पापा आप हो, आप उठिए ना पापा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो अनाथ ही हो जाऊंगी। इतनी बड़ी बात कैसे कह दी आपने कि आप मेरे पापा ही नहीं हो? उठिए ना पापा, बताइए मुझे। जब तक हम नहीं बताएंगे ना, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। पापा, पापा उठिए ना, बताइए मुझे, उठिए ना पापा। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती आपने जो कहा। आप झूठ कह रहे हैं, मैंने आपको बिना बता के शादी की ना, इसलिए आप मुझसे गुस्सा है, मुझसे नाराज है, इसलिए आप कह रहे हैं ना कि आप मेरे पापा नहीं हैं। बताइए ना पापा, ये सब पापा, ये सब झूठ है, कुछ सच नहीं है। अगर आप उठेंगे, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी ना पापा। पहले उठिए ना, अपनी आंखें खोलिए ना पापा, प्लीज उठिए, प्लीज। साले साहब, वो अभी तक जिंदा है। अगर मरे समान है, कोमा में, और कोमा में ही मर जाएगा। अगर वो कोमा से बाहर आ गया तो हम सब लोग मर जाएंगे। तो फिर क्या करें? मिताली,
योग वेग तुम लोग तैयार हो या नहीं? अरे सुनिए, आपने ऋषभ को देखा क्या बाहर जाते हुए? ऐसी बात कर रही हो, वो तो जख्मी है, वो बाहर कैसे आएगा? नहीं, वो असल में मिताली ने आके बताया कि रैना का फोन आया था, उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है, तो ऋषभ बस कह रहा था कि वो वहीं जाएगा। मेरे ख्याल से हमें भी वहां जाना चाहिए ना उसे ढूंढने के लिए। आइए आइए। हाँ जल्दी से निकलते हैं। साले साहब, इस गांव में पहली बार खुशखबरी आई है। अप्पू, मुझे पूरा यकीन था तो जरूर आएगी। मैं अपनी दोस्त के लिए आई हूँ। तुम ही तो मेरी दोस्त हो, मेरी बहन हो, मेरी गाइड हो, और राखी सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं थी, वो मेरी भी बेटी जैसी थी। खुशियां बांटने तो हर कोई आ जाता है, लेकिन मैं गम बांटने आई हूं। बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ। अरे बाल, अप्पू मां। अरे ऋषभ कहाँ है? वो अब हॉस्पिटल में है और हम सब वहीं जा रहे हैं। हॉस्पिटल? क्या हुआ है? वो सुरेश भाई साहब हॉस्पिटल में है ना, इसीलिए ऋषभ उनको वहीं देखने गया है। हम सब बस हॉस्पिटल ही जाने वाले थे। अपूमा पता है क्या हुआ? ऋषभ भैया और रैना दोनों ब्रह्म राक्षस को मारने निकले थे, पूरी तैयारी के साथ निकले थे, और आपको पता आगे क्या हुआ? तो राक्षस के मारने से पहले ही मर गई। इतनी डर गई है, बड़े रुबाब से आई थी ये सोच के कि ब्रह्म राक्षस मारा गया होगा। अरे वेद, ये सारी बातें तो अप्पू माँ को बाद में भी बता सकता है ना, पहले अप्पू को आराम कर लेने दे। हम तो कम से कम निकल के हॉस्पिटल चलते, कहीं उस ब्रह्म राक्षस ने दोबारा अटैक कर दिया ऋषभ पे तो। ब्रह्म राक्षस अब तक जिंदा है? हाँ अप्पू, उसी को मारने के लिए ऋषभ और रैना ने शादी रचाई थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके, उल्टा वो उन्हीं को घायल करके चला गया। मोहिनी, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है, चलो हॉस्पिटल जाना है हमें। आई, तुम नहीं चलोगी? दोस्त का हमारा गम बांटने आई हो ना, तुम भी चलो साथ में। हाँ चलो। प्लीज बाहर जाइए, हमें अपना काम करने थे। प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, मैं चलिए चलिए बाहर, मेरे पापा और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज बाहर चलिए, आप मेरी बात सुनिए। प्लीज नहीं नहीं, मेरे पापा है ना वो। चिंदी,
आग से खेल रहे हो, मत खेलो जल जाओगे। ऐसी बात कर रही हो अप्पू, अभी इस उम्र में आग से खेलेंगे हम? चढ़ावा ला के दिखावा कर रहे हो? चढ़ावा? ऐसा दिखावा? ज्यादा भोले मत बनो। मैं जानती हूँ तुमने मुझे यहाँ ब्रह्म राक्षस का भोग बनने के लिए बुलाया है। मैंने कब बुलाया तुम्हें? तुम्हें यहाँ देखकर मैं खुद ही हैरान था। तुम ही बताओ अब तुम अचानक क्यों चली आई यहाँ? क्योंकि मुझे लगा कि ब्रह्म राक्षस मर चुका है। तुम लोगों ने हवेली बेच दी इसलिए इतनी बड़ी रकम रातों रात तुम्हारे अकाउंट में आ गई। ओह माय गॉड, अब मैं समझी, तुमने जानबूझकर उतनी ही रकम अपने अकाउंट में डलवाई। तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए जाल बिछाया। I don't believe this. क्या बात कर रही हो तुम? हमने सचमुच लोड लिया था भाई। झूठ बोल रहे हो तुम नलिन। सच बोल रहे हैं। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, शक है तुम्हारा कि हमने वो हवेली बेच दी। अच्छा, और इसलिए अपना हिस्सा पाने के लिए तुम मुंह उठा के यहाँ चली आई। कमाल है अले साहब, किसी ने सच कहा है। लालच बहुत बुरी बला है। Stop it! मैं मोहिनी नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी कोई फैमिली मेंबर हूँ जो तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगी। Just enough. आज से नहीं नलिन, मैं तुम्हें परसों से जानती हूँ। बस stop it now, stop it. तुम्हारी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम वहाँ हॉस्पिटल में हमारा इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है जिसे हम एक मामूली मैनेजर समझ रहे थे वो कमलपुरा के सारे राज से वाकिफ है, सब जानता है वो। क्या? हमने खुद उसे अपनी बेटी रहना से बात करते हुए सुना। कह रहा था कि यहाँ पर अतीत के बहुत से राज दफन हैं। रैना? क्यों, रैना तो वही लड़की है ना जिसकी ऋषभ से शादी हुई है। अब ये क्या नई मुसीबत है? कौन है ये लड़की और उसका यहाँ के अतीत से क्या लेना देना, क्या कनेक्शन है? अप्पू, ये सारे सवाल सवाल ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि अगर जवाब मिल गए ना तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसीलिए कह रहा हूँ हॉस्पिटल चलते हैं और इस राज की जड़ को ही काट देते हैं, क्योंकि अगर वो मैनेजर होश में आ गया ना तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। और ब्रह्म राक्षस अगर वो आ गया तो वो मुझे मार डालेगा। वो बरसों से मेरा इंतजार कर रहा है। वो जैसे ही मुझे देखेगा वो मुझे मार देगा। वो नहीं मार पाएगा। बच्चों के द्वारा किए हुए कांड का इतना तो फल मिला ही है कि ब्रह्म राक्षस इस समय बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है। तुमको मारने की हालत में नहीं है। आप इनके पति हैं? जी। कैसे इसके पापा? अब वो खतरे से बाहर हैं, पर वो अभी भी कोमा में हैं। पर क्या हुआ था उन्हें? पता नहीं क्या बोल रहे थे। देखिए, पेशेंट जब कोमा में जाता है अक्सर ऐसा होता है, सिर पे इतनी गहरी चोट लगी है उन्हें, हो सकता है ऐसा उन्होंने कुछ बोल दिया होगा जो शायद उनको खुद को भी पता नहीं होगा। एनीवेज, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ था? सर पे चोट कैसे लगी थी? जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं वहां था नहीं, तुम्हें सब कुछ अकेले करना पड़ा। I'm so sorry. नहीं, नहीं ऋषभ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या क्या बताने वाली थी तुम? यही कि पापा का फोन आया। वो ये सुनकर बहुत हैरान थे कि मैं कमलपुरा में क्यों हूँ। मैं तुम्हें बताने वाली थी पर उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि जल्दी से यहाँ पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मैं निकल गई। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। रिशव, 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 ये क्या हुआ? रिशव, वो आ गया है। भागो, भागो, राक्षस आया। आप लोग चलिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। तुम लोगों से कोई काम नहीं होगा, मैं देखता हूं क्या करना है। चलो
मुझे हॉस्पिटल आना ही नहीं चाहिए था। अगर वो ब्रह्म राक्षस यहाँ आ गया तो? नहीं आएगा, मुझे कहा मैंने, वो जख्मी है। डोंट वरी, खुश नहीं होगा। आओ आओ आओ। ऋषभ, ऋषभ क्या कर रहे हो? यहां से भागने की तैयारी जल्दी करो। पर ऋषभ, हमने तो उसे जख्मी कर दिया था ना, वो यहाँ नहीं आ सकता, वो यहाँ नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो पानी के अंदर था ऋषभ। रहना ही उसी की आवाज है, मुझे पता है। और हमारे पास कमल भी नहीं है। कमल का फूल तो बाहर है, जाते जाते ले लेंगे। उठाओ। वादा करो, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। वादा? तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तुम्हारे पापा की जान बचाना है ना? हाँ। हम वही करेंगे। एक मिनट, इतना सन्नाटा क्यों है? ये तूफान आने से पहले की खामोशी है या? चलो जल्दी चलो। हॉस्पिटल तो एकदम खाली है, यहाँ तो कोई नहीं है। रात का वक्त है, सो रहे होंगे सब। बचाओ! वो उस तरफ। योग, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। और तेरे डैड भी हमसे पहले निकले थे, कहाँ गए होंगे सारे? ब्रह्म राक्षस आ गया! भागो, भागो, राक्षस आया! भागो, राक्षस आ गया! भागो! सुनिए, वेद, योग, तेरे डैड, ऋषभ सब यहाँ हैं। मॉम, वन मिनट, वेद, तू मॉम और मिताली का ख्याल रख, मैं उन सबको जाके ढूंढता हूँ। और भाई, फोन ऑन रखना प्लीज, वो आ गया। लेकिन तेरे डैड, ऋषभ, बुआ जी, मिताली, साथ आओ। चलो अप्पू, हमें यहाँ से भागना होगा। नहीं अप्पू, बात को समझो, अगर वो आ गया तो हमें जाने नहीं देगा। और अगर मैं बाहर चली गई और उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे मार देगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ, चलो। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। देखो अप्पू, मैं तीन तक गिनूंगा, अगर तुम नहीं आई तो मैं अकेला चला जाऊंगा। हाँ तो जाना है तो जाओ, जस्ट गो, गेट आउट। तुम मुझे इसलिए यहाँ लाए थे ना? हाँ, इसीलिए लाए थे ना? हो जाओ खुश, जाओ जाओ यहाँ से, जस्ट गो। नलिन, तुमने बिल्कुल सच कहा था अप्पू, उस राक्षस का चढ़ावा आ गया है। अब तुम्हें मारकर उसकी आत्मा को मुक्ति जरूर मिल जाएगी। रहना सुनो, इस कॉरिडोर के पीछे नीचे एक दरवाजा है, अंकल को वहां से ले चलते हैं। ऋषभ भाई, आप यहाँ? भैया? हाँ, हम अंकल को देखने आए। हम मतलब? अरे हम सब यार, पूरी फैमिली। कहाँ है सारे? मॉम, वेद और मिताली साथ में, लेकिन डैड और अप्पू माँ कहीं नहीं मिल रहे। अप्पू माँ भी आई है? रहना, तुम्हें काम करो, अंकल को लेके तुम बाहर जाओ, सीधा निकलना, कहीं रुकना मत, कुछ भी मत करना, ओके? तुम जाओ, जल्दी जाओ। ऋषभ और तुम? मेरी पूरी फैमिली यहाँ है, मुझे उन्हें देखना होगा। तुम जाओ, जल्दी जाओ, कहीं रुकना मत, सीधा बाहर जाना, जाओ जल्दी, जल्दी। चल चल ऋषभ, आ जा, चल।
दिखाया जा रहा है? वहाँ किसको मारने जा रहा है? मैं तुम्हें धक्का नहीं मारूंगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे अपराजिता, नहीं छोड़ूंगा। बरसों से इस पल का इंतजार था मुझे, तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचाओ! साले साहब, यही वो कमरा है जिसमें मैं उसे बंद करके गया था, मरने के लिए छोड़ गया उसे मैं। और साले साहब, आज यहां मौत का आखिरी तांडव होगा। दो लोगों का अंत होगा यहां, एक जिसने मौत को जन्म दिया और दूसरा जो जन्म लेने के बाद सबको मौत दे रहा है। बचाओ, somebody help me! नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा तुझे अपराजिता। तुझे क्या लगा कि तू मुझसे बच जाएगी? मैं तुझे मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अपुमा, अपुमा, अपुमा! इन लोगों को भी अभी आना था। डैड, डैड, ऋषभ, डैड, डैड, क्या हुआ? अप्पू कहाँ है? अरे बचाओ उसे! अरे कोई बचाओ उसे! अरे कुछ कीजिए ना आप लोग, जैसे ही छूटे आप लेकर जाइए। बुआ जी, ये खून किसका है? मार दूंगा तुझे। संभाल के अब्बू, तुम ठीक हो? वो मुझे मार डालेगा। नहीं, वो मुझे तुम चलो बाहर चलो। लेकिन ऋषभ, अब्बू मां को जल्दी ले जाइए आप लोग। ऋषभ, अपना ख्याल रख, जल्दी।
कहाँ गया? कहाँ गया? ऋषि भैया अभी तो नहीं था। हाँ ठीक हो ना? ठीक है, चल चल। ये लेकिन रायना और उसके पापा नहीं मिले हमें। वो गई होगी, मैंने उसको बोला आज वहाँ से जाने के लिए, वो चली गई होगी। नहीं भैया, वहाँ पे रायना ने हमें उस राक्षस से बचाया था और वो वहाँ से निकली है, हमें ये नहीं पता। मतलब उस फायर एक्सटिंग्विशर पे उसी का खून था। हाँ सुनिए एक मिनट, पेशेंट्स कहाँ सारे? हम उनको क्लिनिक ले गए हैं। रायना उसी में होगी। उसमें कोई लड़की थी क्या? हाँ, उसकी हालत बहुत बुरी थी, बहुत खून बह रहा था। लगता है नई नई शादी हुई थी, दुल्हन के जोड़े में थी। वेद तू सबके साथ घर जा, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है। Excuse me. आपने कोई लड़की देखी है लाल जोड़े में, दुल्हन के लिबास में? हाँ देखा, बहुत खून बह रहा था। जख्मी लोग उस तरफ हैं। ऋषभ, अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि वो ब्रह्म राक्षस जख्मी हो गया है। पता नहीं साहब, इतनी जख्मी होने के बाद ही वो कैसे, किसके लिए और क्यों आया? लेकिन अब तो चला गया है ना? हाँ साहब, हमने इंशाल्लाह यहीं से लगाया था। हाँ, मैंने देखा था इसे, ये राजगिरा से उसे मार रहा था जब मैं नीचे गिरने वाली थी। नलिन, मुझे बॉडीगार्ड चाहिए। मैं इस गांव में बिना बॉडीगार्ड के नहीं रह सकती। आज तो वो मुझे मार ही डालता। हाँ, सचमुच आज वो तुम्हें मार ही डालता। बॉडीगार्ड है ना ये बिरजू, ये चलेगा? इसी ने तो तुम्हारी जान बचाई, ये तुम्हें बचा सकता है, ठीक है ना? रहना कहीं नहीं मिल रही है। ऋषभ भैया उसको ढूंढने गए और उन्होंने ये भी कहा है कि हम सब घर जाएं, वो लोग वहीं डायरेक्टली आएंगे। अच्छा, फॉर गॉड सेक अभी यहाँ से निकलते हैं, सुरेश अंकल को कल आके देख लेंगे। ओके, मैं अप्पू को घर ले जाती हूँ, चलो। थैंक गॉड तुम ठीक हो रहे ना? हाँ, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तुम्हें पता है उस राक्षस ने अप्पू मॉम का गला पकड़ लिया था, उन्हें हवा में लटका दिया था। ऐसे मैं बहुत, अप्पू मॉम यहाँ आई है इंडिया में? हाँ, जब उन्हें राखी के बारे में पता चला तो वो यहाँ आ गई। मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड है ना वो, कैसे नहीं आती? ऋषभ तुम घर चले जाओ। और तुम? मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं पापा यहाँ है ना। ऋषभ, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं पापा को यहाँ कभी नहीं ला पाती। वो राक्षस मेरे पापा को मार डालता। Thank you so much, Chindi. अगर तुम नहीं होती तो राक्षस मेरी मॉम को मार डालता। वेद ने बताया मुझे। ऋषभ तुम घर चले जाओ, वहां सबको तुम्हारी जरूरत है, सब डर गए होंगे ना। लेकिन सुनो, तुम अपना ख्याल रखना ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम मुझे फोन जरूर करना। हाँ। जीजा जी कुछ भी नहीं हुआ, वो बच के निकल गई, और उधर वो रैना का बाप वो भी जिंदा है। अगर उसने रैना को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? अगर रैना सब कुछ जान गई तो सोची क्या होगा? मुझे रक्तदान करना है, कहाँ जाना पड़ेगा?
कीजिए साहब, इसे बचा लीजिए साहब, इसे बचा लीजिए साहब, साहब इसको बचा लीजिए, वो राक्षस इसको मार डालेगा साहब, वो राक्षस है ना, उसने इसके माँ बाप को मार डाला, अब इसे भी मारेगा साहब, साहब इस बच्चे को लीजिए। मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? दुआ करो अपने पापा के लिए, दवा तो अपना काम करेगी, बस अब दुआ की जरूरत है। आप यहां क्या कर रही हैं? इनकी बेटी, मतलब तुम इनकी सगी बेटी, ये तेरे असली पिता है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बताइए ना। क्योंकि बरसों पहले मैंने इन्हीं सांप के हाथों में एक छोटी सी बच्ची सौंपी थी। आप उस बच्ची को जानती थी क्या? आपने इनके हाथों में वो बच्ची क्यों दी? उस रात मैं बहुत बीमार थी, डॉक्टर साहब के पास इलाज के लिए गई थी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरे इलाज का एक रुपया भी नहीं लिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। उस दिन मैं उनसे आखिरी बार मिली थी। अरे मम्मी पापा डॉक्टर थे? संजय साहब के मौत के बाद हवेली बंद हो गई थी, मेरा काम भी बंद हो गया था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। तेरे माँ बाप ने मुझसे इलाज का एक रुपया भी नहीं लिया था, कि उनका कर्ज था मुझ पे, जो मैं कभी चुका नहीं सकती थी। पर मैं आपको कैसे मिली? और मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ? ब्रह्म राक्षस, मम्मी पापा को उसने। नहीं छोड़ूंगी मैं उस राक्षस को, नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं उस राक्षस को। मेरे मम्मी पापा को मार डाला उसने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मिताली, तू किचन से जाके आरती की थाली ले। जी बुआ जी। मम, बाहर कमल लगा हुआ है ना, आप ये कुमकुम, ये चावल लगा रही हैं। अब आपको किसी ने ये तो नहीं बता दिया राक्षस चावल से भी डरने लग गया है? अरे ऋषभ भैया, आपको याद नहीं है जब नैना भाभी शादी होके आई थी तो ऐसे उनका भी गृह प्रवेश हुआ था? आज इस घर में, आज इस घर में।
रैना का गृह प्रवेश होगा। जिंदी का गृह प्रवेश? अरे रोज तो आती मॉम घर में हो। लेकिन आज बात अलग है, अब तुम दोनों की शादी हो चुकी। लेकिन मोहिनी? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इन दोनों ने शादी की है ना मॉम। राक्षस के बाद अब मैं और रैना आपको मजाक लग रहे हैं क्या? शादी मजाक नहीं होती ऋषभ, तेरी बहन को इंसाफ दिलवाने के लिए रैना ने तुझसे शादी की। दो बार मेरी जान उस राक्षस से बचाई, एक पत्नी होने का एक बहू होने का फर्ज निभाया है उसने। तुझे ये सब मजाक लगता है? आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये मजाक है? लेकिन मोहिनी अभी कुछ घंटे पहले तक तुम इस शादी के खिलाफ थी और अब? मैं इस शादी के खिलाफ नहीं थी, जिस तरह इन दोनों ने ये शादी की थी मैं उसके खिलाफ थी। जो वो राक्षस इन दोनों के साथ कर सकता था मैं उसके खिलाफ थी। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि ऋषभ और रैना की अब शादी हो गई है। वो पत्नी है ऋषभ की। नहीं मॉम, मॉम हमारी शादी नहीं हुई, ये नकली शादी थी। ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है, क्या क्या मतलब? ऋषभ तुमने शादी की है और तुम कहते कि तुम इस शादी को नहीं मानते, ऐसे कैसे? उसके मुंह से ये बात अजीब नहीं लगती? क्या बोल रहा है ऋषभ, तू इस शादी को नहीं मानता? मैं क्या रहना भी नहीं मानेगी डैड, ये शादी हमने सिर्फ राक्षस को मारने के लिए की थी। हमने पहले डिसाइड कर लिया था इस बारे में, ये शादी नकली।